हाँ चलो भाई, हो गया कार्यक्रम चालू। हाँ भाई जरा सुनो, काम किया अपन क्या करते हैं, आगे एक और बात कर लेते हैं। देखो जरा आओ, अपन क्यूरी के नियम के बारे में बात करो। क्यूरी के नियम से काई प्रपोर्शन होता है 1/T, ठीक है। काई होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन बी। तो काई इक्वल टू सी ओवर टी, चलो वैल्यू रख लेते हैं, इसका मतलब म्यू नॉट आई इक्वल टू सी ओवर टी। आई का वैल्यू निकाल लो, इसका मतलब आई इक्वल टू बी सी अपॉन म्यू नॉट टी। ये हो गया अपने पास आई। अपन क्या करते हैं, हमारे पास है डेल आई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट बी। अपन कांस्टेंट बी पर टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं। नियत बी पर टी के सापेक्ष अवकलन से, डेल आई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी बना, ये देखो बी सी अपॉन म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है, माइनस के 1/T² हो जाएगा। चलो वैल्यू रख लेते हैं, जरा इधर आ जाओ। अपन क्या करते हैं, डेल आई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी का वैल्यू हो गया माइनस के बी सी अपॉन म्यू नॉट टी स्क्वायर, ये वैल्यू जरा इसमें पुट कर दो। इसलिए डेल टी ओवर डेल बी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन सी वी ऐसे में एक माइनस के टी ओवर सी वी, इसका वैल्यू माइनस के बी सी अपॉन म्यू नॉट टी स्क्वायर। तो वैल्यू आ गया आपके पास, टी से तो एक टी कैंसिल, बी सी अपॉन सी वी म्यू नॉट, ये वैल्यू आया डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस का बी सी अपॉन सी वी म्यू नॉट टी। अपन क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको यूज कर लेते हैं। देखो टी डेल टी इज इक्वल टू बी सी ओवर सी वी म्यू नॉट, या फिर इसको ऐसा करो सी को यहाँ रखो बी डेल। हमने क्या किया, टी को इधर ले गए और इस वाले बी को उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया टी डेल्टा टी इक्वल टू सी अपॉन सी वी यू नॉट वी डेल्टा वी। अपन क्या करते हैं, प्रदोष्म विचुंबकन में बी का वैल्यू तो जीरो करते हैं और टेम्परेचर का वैल्यू मान लो टी वन से क्या कर देते हैं टी टू कर देते हैं, ठीक है। तो जरा अपन लिमिट लगा लेते हैं, आओ जरा इंटीग्रेशन टी वन से टी टू टी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी अपॉन सी वी म्यू नॉट इंटीग्रेशन वी डेल वी।
और हमने उसको बी से क्या कर दिया, जीरो कर दिया। और अपन क्या करते हैं, अपन एक और काम कर लेते हैं, सी अपॉन यू नोट को एक टर्म मान लेंगे अपन, ए कह देंगे उसको, है। चलो जरा सॉल्व करो, तो टी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर इक्वल, जरा इसको देखो, सी ओवर म्यू नॉट को ए अपॉन सी वी हो जाएगा वी स्क्वायर, हाँ, और वी का वैल्यू माइनस के वी स्क्वायर बाय टू, ये भी तो टू आएगा, माइनस के वी स्क्वायर बाय टू। अपन क्या करते हैं, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो, देखो जरा इधर, टू से तो टू कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो गया टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर माइनस ए ओवर सी वी इंटू वी स्क्वायर, टी टू इक्वल टू टी वन स्क्वायर माइनस ए ओवर सी वी इंटू वी स्क्वायर ओवर वन, और ये क्या है, ये रुदोष्म विचुंबकन के पश्चात अनुचुंबकीय लवण का ताप है। अपन एक और काम कर लेते हैं, अपन T1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, या T2 इक्वल टू T1 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर T1 आ जाएगा, वन माइनस ए ओवर सी बी वी अपॉन टी वन का स्क्वायर टी पावर वन, ये पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है सर। और यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो टी टू का वैल्यू है ये लेस देन होता है किससे, टी वन से, इसका मतलब टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। एक और बात कहता है, वो कहता है अगर आप बी का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो टी टू का वैल्यू स्वतः ही क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जरा देखो एक बार की इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो जरा फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। हो गया, बोलो जरा फटाफट से, ठीक। अब जरा सुनो, एक क्वेश्चन लिख लो इसके साथ ही, एक अच्छा सा क्वेश्चन भी है। देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड से टेम्परेचर कम होने का मतलब ये है कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने पर क्या होता है, सबसे पहले तो जो अनुचुंबकीय लवण है उसमें रिएक्ट करता है, जो मैग्नेट के साथ क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है जो अनुचुंबकीय लवण होता है, उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर अपन क्या करते हैं, उसको अचानक से टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ये होता है कि जैसे ही वी का मान बढ़ाते हैं, तो V का मान बढ़ाने पर, या कहें मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ाने पर, जो पदार्थ होता है, जो अनुचुंबकीय लवण है, वो गर्म हो जाता है, और गर्म होकर द्रव हीलियम को बाष्पित करता है, और उस बाष्पित द्रव हीलियम को अपन क्या करते हैं, निर्वात पंप, जो वैक्यूम पंप अपन ले रहे हैं,
उस वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देता है, एक तो ये काम होता है। अब क्या होता है, इसका मतलब जो गैडोलियम सल्फेट जो अनुचुंबकीय लवण लिया उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो काम आ जाती है। फिर अचानक से अपन क्या कर देते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, तो पहले से उसकी एनर्जी कम हुई पड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड और हटा दो तो एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, और मिलना बंद हो जाएगी तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है उसका मतलब, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन लिखो, एक अनुचुंबकीय लवण का प्रारंभिक ताप, दिया है क्वेश्चन में, एक अनुचुंबकीय लवण का प्रारंभिक ताप 2 केल्विन है, रुदोष में विचुंबकन द्वारा इसका ताप 1 केल्विन करने पर लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो, जहां A का वैल्यू दे रखा है, Kelvin/kg T² और V का वैल्यू दे रखा है 42 J/kg K, और उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है T1 का वैल्यू है 2 Kelvin, T2 का वैल्यू है 1 Kelvin, आपको B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ क्वेश्चन सुनो दोबारा, हम कह रहे हैं एक अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रारंभिक ताप 2 केल्विन है, रुदोष में विचुंबकन द्वारा इसका ताप 1 केल्विन किए जाने पर लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो, और जहां दे रखा है एक A का वैल्यू दे रखा है, एक B का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। जरा ये सॉल्व करो और आंसर जरा फाइंड आउट करो, सीधे फॉर्मूले में आंसर रखना है, आपके पास सारी वैल्यूज दे रखी हैं। ये CV का वैल्यू दे रखा है, B का नहीं, ये CV का वैल्यू दे रखा है उसने। सॉल्व कर लेना, आगे की सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत खुशियां लाए दीपावली तुम्हारे जीवन में, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।